बॉलीवुड मूवी में गाए गए पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें तो इंसानों के लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सरहदें तो महज इंसानों के लिए होती हैं। अगर ऐसा ना होता तो कोरोना के इस काल में सर्दियों के वक्त कांगड़ा के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोंग डैम झील में लाखों की संख्या में विदेशी रंग बिरंगे पक्षियों का जमावड़ा ना लगा होता। आज कोरोना की बदौलत जिस कदर इंसानों के पैरों में SOP की जंजीरें टल चुकी हैं, ठीक वैसे ही इन पक्षियों के लिए भी होती। खैर, ये तो परिंदे हैं, हवाई मार्ग से आएंगे भी और जाएंगे भी, मगर आज इनके दीदार के लिए बेताब बैठे लोगों को इन्हें देखने के लिए भी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। काबिले गौर है कि हर साल की मानद इस बार भी पोंग झील एक बार फिर से प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो चुकी है। इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए अब सैलानी भी सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। पोंग डैम में अब तक करीब 45,000 प्रवासी पक्षी अलग अलग प्रजातियों के पहुंच चुके हैं और इनके आने की तादाद लगातार बढ़ रही है। दिसंबर और जनवरी महीने में इन पक्षियों की संख्या लाखों में हो जाएगी। इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए भारी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। इस बार अब तक रूडीशैल डक, गल तथा बार हेडेड गीज नाम के प्रवासी पक्षी पहुंचे हुए हैं। विभाग द्वारा इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाकर सुरक्षा का जिम्मा सौंपा हुआ है। इन प्रवासी पक्षियों का यदि कोई व्यक्ति शिकार करता पकड़ा गया तो विभाग द्वारा उसे जुर्माने के साथ कैद का भी प्रावधान है। पिछले एक वर्ष झील में 114 प्रजातियों के करीब 1,15,000 प्रवासी पक्षी पहुंचे थे तथा इस बार विभाग का मानना है कि इनकी प्रजातियां तथा संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है। पर्यटक मोटर बोट तथा अपनी निजी गाड़ियों में पोंग झील में पहुंचकर इन प्रवासी पक्षियों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। विभाग द्वारा हर चलाने के आने जाने की रजिस्ट्रेशन की जाती है। देखिए, जैसे कि आपको विदित ही है, पोंग डैम जो है वो विंटर्स में माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है और मेरे ख्याल से तो कांगड़ा जिला के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है हमारे लिए। तो ये जो वेटलैंड है, इसमें ट्रांस अटलांटिक कंट्री से, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ गिरती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे पक्षी आने शुरू हो चुके हुए हैं और हर साल आते हैं। और उसके अलावा पोंग डैम के आसपास भी जितने भी वाटर के स्टोरेज एरियाज हैं, नेचुरल बेसिन्स हैं, वहाँ पर भी जो है वो वाटर बर्ड्स देखने में आते हैं। स्पेसिफिकली अगर पोंग डैम की बात करूँ तो जो हमारे DFO वाइल्ड लाइफ हमीरपुर हैं, उनसे जो डाटा हमें आया है उसके हिसाब से एज ऑन टूडे लगभग 45,000 के आसपास डिफरेंट वेराइटीज़ के बर्ड्स आ चुके हैं, जिसमें कॉमन टील, नॉर्दर्न पिनटेल, डार्टर, नॉर्दर्न शॉवलर, कॉमन कूट, ब्राउन हेडेड गल, ब्लैक हेडेड गल वगैरह वगैरह हैं, बैकटेल्स भी हैं। और जो मैक्सिमम नंबर में आए हैं और जो हर साल मैक्सिमम नंबर में आते हैं वो हैं बार हेडेड गूस। तो एक तो ये है, दूसरा कुछ रेजिडेंट बर्ड्स भी हैं जो पानी के आसपास रहते हैं, वो हैं ही हैं, जैसे कॉर्मोरेंट्स हैं, पिपिट्स हैं, सैंड पाइपर्स वगैरह हैं, वो भी वहाँ काफ़ी हैं। तो इस समय जो वाइल्ड लाइफ विंग है, DFO वाइल्ड लाइफ हमीरपुर के जितना भी स्टाफ है, नगरोटा सूर्या का है, शायद धमेटा का है, वो टीम वर्क के रूप में वहाँ पे गश्त कर रहा है और पूरे एरिया को बोट के द्वारा भी चप्पा चप्पा छान रहे हैं ताकि कहीं भी किसी का अवैध शिकार ना हो पक्षियों का। और उसके अलावा काउंटिंग भी वो ग्रुप्स में जाके कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पे। और पिछले दिन से DFO वाइल्ड लाइफ हमीरपुर भी वहीं पे कैंप कर रहे हैं और कुछ दिनों में शायद मैं भी वहाँ जाऊँगी। तो हमारी पूरी वाइल्ड लाइफ टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि जो प्रवासी पक्षी हैं उनका कोई भी अवैध शिकार ना हो, और अगर ऐसा होता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से स्थानीय जनता से ये निवेदन करना चाहूँगी कि ईश्वर ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है हम कांगड़ा वासियों को कि पूरी दुनिया से पक्षी हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं और क्षेत्र की रौनक बढ़ा रहे हैं। तो वैसे तो वो उनकी सुरक्षा करते ही करते हैं, परंतु फिर भी मैं निवेदन करूँगी
कि हमें मिलजुल कर एक ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट करना होगा कि पक्षी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जो उनका फूड है वो हम उनको प्रोवाइड करें और उसके साथ हम एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो ये हमारे लिए गौरव भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उस एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखें, क्योंकि प्रकृति अगर संतुलित रहेगी तभी मनुष्य जीवन भी रहेगा, अन्यथा कोविड का तो आप देख ही रहे हैं, फिर ये सारी सृष्टि जो है खत्म हो जाएगी। देखिए, जिन जिन क्षेत्रों में थ्रू आउट वर्ल्ड जो ट्रांस अटलांटिक कंट्रीज हैं जहाँ पे काफ़ी तेज ठंड शुरू हो गई हुई है, वहाँ से पक्षी आते हैं, यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, अटलांटा रीजन से आते हैं, कनाडा से आते हैं, तो समस्त क्षेत्रों से जो है वो प्रवासी पक्षी आते हैं। देखिए, पहले तो कोविड के चलते जो है वो हमने अभयारण्य जो है वो बंद किया हुआ था, परंतु अभी अभी हम कुछ दिन पहले, लगभग महीना भर पहले जो है हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो गए हैं कि आप जो है इसको खोल दें। तो पर्यटकों की सुविधा के लिए जो है वो कोविड के नियमों की जो SOP बने हैं उसके नियमों की अनुपालना करते हुए पर्यटकों के लिए जो है वो पोंग डैम के द्वार खुले हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक नियमित संख्या में ही लोग वहाँ जाएं, ओवरक्राउडिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और हाइजीन का भी ध्यान रखा जाए ताकि संक्रमित लोग बिल्कुल ना जाएं। स्कैनिंग भी हो रही है और सैनिटाइजर का भी उपयोग हो रहा है।